आज हम लोग पढ़े हैं रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो। कल हम लोग पढ़े थे रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया। तो यहाँ पर इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि आज मानव जीवन जो है वो आलस से भरपूर है, वो कर्म करना नहीं चाहता और इस वजह से मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं। अपनी कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम हमारे अंदर हर चीज सक्षम है, हर चीज को तुम कर सकते हो। ये मानव को प्रेरणादायक शब्द इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी क्षमताएं है कि वह हर कठिन कार्य को भी सक्षम बना सकता है, आसानी से कर सकता है। सिर्फ अपनी एक अपने आलस को तोड़ करके, अपने निराशे मन को छोड़ करके मन में एक उमंग भरना है, मन में एक ताजगी लानी है, मन में एक नई शक्ति लानी है कि हम हर कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ कवि पत्थर और चट्टानों के माध्यम से मनुष्य को अपनी जो मनुष्य की जो सोई हुई जिजीविषा है, सोई हुई उनकी कल्पना शक्ति है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पत्थर और ये चट्टान जो है, उसको जो धरती के ऊपर खड़ी है पत्थर और चट्टान, उसको तोड़ो और उसको तोड़ करके उसको उपजाऊ बनाओ, उसमें उसमें भी उर्वरक, उसको भी उर्वरक बनाओ, क्योंकि वह भी, और ये कहते हैं कि उसको भी तोड़ करके और उसमें खेतियां करो, क्योंकि उसमें जो फसल, जब हम बीज डालेंगे तो फसल उपजेगी और वो फसल हमारे लिए ही लाभदायक है। इसलिए कवि कह रहे हैं मनुष्य को कि ये पत्थर ये चट्टान जो है उसे तोड़ो। ये पत्थर और चट्टान मानव के शुष्क दिमाग के लिए ये प्रयुक्त हुआ है कि मानव का मन जो है वो अत्यंत ही कल्पनाशील है, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति को सुलाया हुआ है, वो उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही क्या कहते हैं कवि, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कहते हैं झूठे बंधन, हमारे पास बंधन भी बहुत सारे हैं, हम बिना ये बहुत तरह के अंधविश्वासों में भी जुड़े हुए हैं। अंधविश्वास से जुड़ करके हम पुरानी परंपराओं को ढोते चले जा रहे हैं, लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो पुरानी परंपरा के अनुसार एक झूठा बंधन है उसको भी हम तोड़ें और नई नई अपने दिमाग की नई उपज से हम बहुत तरह के कार्य को कर सकते हैं, तो धरती को हम जाने। जब हम धरती को उपजाऊ बनाएंगे, उसमें कुछ बीजे डालेंगे, तब वो फसल लहला करके जब ऊपर उठेगी तो फसलों से उसमें जो हमारे हमें जो भी अन्य फल फूल मिलेंगे वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब फसल होगी तभी हमारा जीवन है, या फसल नहीं है तो हम जीवन भी हमारा शून्य हो जाएगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। कहते हैं कि आज तक सुना ही था कि मिट्टी में रस होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे मैदान जब होते हैं, खाली पड़े हुए मैदान, तो उन मैदानों में अपने आप ही बहुत तरह के घास उग जाते हैं, पतली पतली दूब भी होती है, कुछ मोटी घासें भी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो अन्य तरह के, और कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े वो छोटे पौधे निकल करके बहुत बड़े बड़े पेड़ भी उग जाते हैं। तो कहते हैं कि सुनते हैं, सुना गया था कि मिट्टी में रस होती है, यदि मिट्टी में कोई रस नहीं होता तो ये चीज़ें कहाँ से उपजती, घास दूब पेड़ पौधे ये कहाँ से उगते, तो उसमें रस है तभी तो वो बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और वो हमें तरह तरह के फल देते हैं, अनाज देते हैं, जिसे कि खा करके हम जीवित रहते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, दूब है उसी से उगती है। जब रस नहीं मिलेगा तो हम देखते हैं कि जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं रहती, जिस धरती में जहाँ पर कि जैसे रेगिस्तान में, तो वहाँ
पर दूब घास ये सब देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कवि कि मिट्टी में रस है और उसको जब हम उपजाऊ बनाने का प्रयास करेंगे तभी उसमें से हम कुछ उसके उसका फायदा ले सकते हैं। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब यहाँ पर इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि अपने मन के मैदानों में, मेरा जो मस्तिष्क है ये भी एक मैदान की तरह है। यहाँ जब हम इस मस्तिष्क में अपनी उपज डालते हैं, उपज उपजाऊ बनाते हैं, अर्थात अपनी विचारधारा जब हम इसको विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने आप भी, या फिर हम किसी भी तरह से मैदानों पर कैसी ऊब है, हम जब इसको निश्चेतन कर देते हैं तो कोई भी सोच हमारे पास नहीं आती। हम सोचते हैं हम निर्बल है, हम निर्धन है, हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। आलस हो करके या सोच करके, इस बात को सोच करके कि हमारे अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, और हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो कवि इसी को कह रहा है कि ये कैसी ऊब है, कैसी निश्चेतन है, कैसी जड़ता है, जिसके कारण हम बैठे चुपचाप बैठे हुए हैं। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कहते हैं कि ये जो आधे आधे गीत हैं उसको भी हटाओ और पूरे गीत गाने का को सोचो। अर्थात कोई भी कर्म जब हम शुरू करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, पूरा ही करने का कोशिश करें, जिससे कि वो कर्म पूरा होगा तभी हमारा उससे कुछ फल मिलेगा, कोई काम का परिणाम मिलेगा। तो हम अधूरा करेंगे तो उसका कोई भी काम नहीं है। जैसे हम, जैसे आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना, अभी आपको आपके ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, आपके माता पिता आपको कहते हैं पढ़ने के लिए, आप अगर ध्यान लेके नहीं पढ़िएगा तो आपको आगे भविष्य में आप क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यदि हम पूरी तरह से मन लगा करके पढ़ेंगे तो हमें इसमें सफलता अवश्य हासिल होगी और हम कहीं पर अच्छे जगह सेटल भी हो सकते हैं, कहीं अच्छे जगह पर हमारी नौकरी भी लग सकती है। इसीलिए कवि भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आधे आधे गाने हैं उसको हम आधे आधे, जो हमारे अंदर जो विचार है उसको हम पूरा करें और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको हम पहचानें, हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसे हम पहचान करके और अपने कर्मों को करें। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कवि कहते हैं कि मन में जो एक निराशा बैठी हुई है, जड़ता बैठी हुई है, उसको हम पूरी तरह से तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दें, अपनी कल्पना शक्ति को हम बढ़ाएं, कल्पना के द्वारा हम कर्म करने की बात सोचें और उसको क्रियान्वित रूप दें, अर्थात हम उसको कर करके उस कार्य को पूरा करें। ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये जड़ती परती तोड़ो। ये ऊसर बंजर, जहाँ हम देखते हैं जहाँ पर कि कोई, जिस जमीन पर कोई खेती नहीं होती उसको बंजर कहा जाता है, उस जमीन को बंजर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं कि ये जो बंजर धरती पड़ी है तुम्हारे सामने, उस धरती को, उसमें उसको उपजाऊ बनाओ, उसको उस खेत को खेती जैसा बनाओ, उसको जोतो, उसको हल चलाओ, उसमें हल चला करके जोतो और उसको उसमें मिट्टी डालो, मिट्टी उपजाऊ बना करके उसके अंदर बीज डालो। वो जो बीज पनपेंगे, हम देखते हैं जब एक बारिश का मौसम होता है तो सभी किसान अपने अपने खेतों में हल जोतते हैं, जिससे कि वो मिट्टी भुरभुरा बन जाती है और भुरभुरा बनने के पश्चात जब हम उसमें बीज डालते हैं, क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी के ऊपर बीज डाल दें तो वो यदि बारिश का पानी भी आया तो वो बह जाएगा, वो अंदर से उसके जो पौधे हैं वो नहीं निकलेंगे। इसलिए उसको उपजाऊ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस धरती को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करना है, धरती पर उसमें हल बैल चलाना है या फिर उसको जो इस तरह से आधुनिकीकरण, आधुनिकता के तरफ से, जैसे वो आजकल जो मशीनों से भी खुदाई होती है उसको उपजाऊ बनाया जाता है, क्यारियाँ बनाई जाती है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं तभी वो उपजाऊ बनता है। तो यहाँ पर कवि उसी को कह रहे हैं, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये जो
बंजर पड़ी हुई धरती है उसको हम उपजाऊ बनाएं और उसको ख़त्म करें, वो जो बंजरपन है उसको, बंजरपन को ख़त्म करें। ये चरती परती तोड़ो और ये जो चारागाह के लिए जमीन जो छोड़ी गई है उसमें भी, उसको भी हम उपजाऊ बनाएं, उसे भी, उसमें भी हम खेती करें, और जिससे कि हमारी फसल जब उपजेगी तो हमारे अंदर भी एक खुशहाली आती है। अपने खेतों में जब नई नई फसलें उगती हैं, फसलें लहलहाती हैं, तो जिसका जो मेहनत करता है उसे भी, उसको देख करके बहुत ही मन प्रसन्नचित हो जाता है और खुशहाली आती है। तो इसी चीज़ को कवि कह रहे हैं कि तुम अपने मन के भाव को बदलो, मन में जो तुम्हारी इच्छा शक्ति सो गई है उसको जगाने का प्रयास करो, और उसमें जो इस जो ये जो धरती बंजर पड़ी हुई है उसको क्रियान्वित रूप दो। सब खेत बनाकर छोड़ो, जितने भी बंजर धरती है, चाहे वो चारागाह के लिए भी छोड़ी गई है। चारागाह कहते हैं जानवरों के चरने के लिए जमीन छोड़ी गई है, जैसे वो जगह में घास वो चल जाती है, उग जाती है, तो उसमें गाय बैल बकरी भैंस जो भी है वो चरते रहते हैं, अपने जो वो खाना जो उसको खोज करके खाते हैं, उसी को चारागाह कहा गया है। तो चारागाह वाली धरती को भी यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो तोड़ो, उसको भी उपजाऊ बनाओ। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, और सभी जगह मिट्टी में रस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी सूखी होती है, मिट्टी में रस होता है, तभी तो अपने आप उस मिट्टी में घास उग जाते हैं, दूब उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो कहते हैं मिट्टी में रस होगा ही, उस मिट्टी में रस है तभी उसमें बीज हम जब डालेंगे तो वो उसे पोसेगी ही। जिस तरह से हमें भगवान जन्म दिया है तो हमारी वो रक्षा भी करता है, और हमारे पोषण के लिए वह हमें अन्न जल वायु सब कुछ देता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ हमें प्रदान करता है। बस हमें जरूरत है उसकी कद्र करने की और उसकी हमें उपयोगिता सही उपयोग करने की। ये सब चीज़ हम जब करेंगे तो हमारी जो फसल है वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमें उसका लाभ मिलेगा ही। इसीलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, बीज को पोसेगी ही। अब जो कहते हैं जैसे कोई भी माँ अपने, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का लालन पोषण वह करना छोड़ नहीं देती, वह बच्चे का लालन पोषण भली भांति करती है। उसी तरह से यह धरती माँ भी है, धरती माता भी अपने अंदर जितने भी उसके अंदर बीज है वो उसे पोसती है, पालती है, और उसको फिर फूड़ जमीन को फोड़ करके उसको पौधे के रूप में बाहर निकालती है। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। कहते हैं कि जब मन निराशा में हो जाता है, मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे अंदर एक अपने आप ही चिड़चिड़ापन हो जाता है, खीज आने लगती है, हमें अपने आप से भी गुस्सा आने लगता है, या फिर हमें किसी की बात भी नहीं सुहाती, कोई कुछ बोलता है तो उसमें भी हम भड़क उठते हैं। और इसी के लिए कवि कह रहे हैं कि हम इसको क्या कर डालें अपने इस अपने मन की खीज को। कहते हैं कवि कि जो हमारे अंदर मन की जो खीज है, मन का जो वहम है, जो भी है अंधविश्वास हमारे अंदर जो भरे पड़े हैं, आलसपन भरा पड़ा है, कर्तव्यहीन हम हो चुके हैं, उस सब चीज़ों को हमें उसको दूर करना है। तो अपने मन की खीज को तोड़ करके जब हम इससे ऊपर उठेंगे और अपने कर्तव्य की ओर देखेंगे कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, जब हम इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, तो मनुष्य योनि का कर्तव्य ही है कि कर्म करना, और जब तक वह कर्म करता है तब तक वह सबका प्यारा दुलारा रहता है। कर्म के से ही मनुष्य की पहचान होती है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े नेता होते हैं, चाहे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो जो भी कर्म करते हैं उनके कर्मों के द्वारा ही उनकी पहचान बनती है समाज में, देश में।
जो इतने बड़े बड़े इंजीनियर हुए, जो आज देखते हो नासा में तरह तरह के रोज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनका प्रयोग हो रहा है, और रोज वो मिसाइलें, ये जो भी आधुनिकता यंत्र बना रहे हैं और वो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो ये क्या है? ये मनुष्य जीवन की, मानव मन की उपज है। हम देखते हैं बड़े बड़े कल कारखाने खुल रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं। मशीनें कैसे बनती हैं? जब उसके मानव मन उसके अपनी जो कल्पना है या उसको क्रियान्वित रूप देता है, जब मानव अपने मन की जो उपज है उसको उसमें लगाता है, तभी वो कुछ कर पाता है, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनती है। आज जितने सामानों का हम उपयोग करते हैं अपने शारीरिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, चाहे अपने शरीर के उपयोग के लिए, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वो मसाले पीसने का चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जितने तरह की चीज़ों का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से होती है? जब मानव मन उसमें अपने आप को लगाया, मानव अपने मन को उसमें लगाया, तभी हमारे सामने, हमारे घर के अंदर आज इतनी सामानें उपलब्ध होती हैं जिससे कि हम सारे कार्य को करते हैं। तो इसीलिए जो आलस, जिन मनुष्यों के मन में आलस भरा पड़ा है, अंधविश्वास भरे पड़े हैं, कभी उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये कविता का निर्माण किया है और कविताओं के माध्यम से हमें प्रेरित करता है कि अपने मन की आलस को जो है उसको छोड़ करके, मन के अंधविश्वास को छोड़ करके, क्योंकि बहुत सारे आज हम देखते हैं गांव देहातों में भी या शहरों में भी कहीं कहीं अंधविश्वास में लोग डूबे हुए हैं। वो समझते हैं यदि कोई बीमारी हो गई किसी को तो हम झाड़ फूक कराएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक उस बीमारी का पता हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे दिखाने के लिए, डॉक्टर ही उसकी असल जांच पड़ताल करके उसकी अच्छी दवा देगा तो उससे बीमारी ठीक होती है। लेकिन अगर हम झाड़ फूक के पास जाएंगे, वो झाड़ फूक कर देगा, आपसे पैसे भी, रुपये पैसे भी ऐंठ लेगा, बहुत सारे सामानों की भी वो मांग करता है और सामान भी ले लेता है, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती और उसमें मनुष्य की जान भी चली जाती है। तो ये अंधविश्वास है। और बहुत सारे घरों में आज भी जिस परंपरागत कोई चीज़ चली आ रही है, जैसे अब नानी दादी कोई, उसकी पर नानी दादी कोई कुछ की तो उसको वो आज की बहू जो, बहू बेटी जो है वो भी उसी परंपरा को ढोए जा रहे हैं, उसी परंपरा को निभा रहे हैं। तो ये होता है कि आदमी अपने मन से वो सोचता नहीं है कि ये हो सकता है उस समय कोई मजबूरी होगी। जैसे एक बिल्ली की कथा है, बताते हैं कि एक औरत थी जिसके घर में उसके बेटे की शादी थी, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि उसके बेटे की शादी थी, तो वो उस बेटे के शादी में एक बिल्ली उसके घर में बहुत तंग कर रही थी। अब वो बिल्ली को टोकरी से ढक देती है, पकड़ करके एक टोकरी से ढक देती है, तो जब उसकी बहू भी जब अपने बेटे की शादी करने लगती है, वो बहू उसके चीज को देखी थी, और जब बहू जब अपने बेटे की शादी करने लगती है तो वो भी अब परेशान हो जाती है, उसके घर में बिल्ली नहीं थी तो परेशान हो जाती है कि मैं बिल्ली कहाँ से लाऊं, और बिल्ली को खोज रही है, और फिर वो भी उसी तरह का कार्य करती है, कहीं से बिल्ली को पकड़ के लाती है और उसको टोकरे से ढक देती है। तो ये होता है अंधविश्वास कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब अंधविश्वास और परंपरागत जो है, परंपरावादी हैं, उनको कवि उनसे दूर होने के लिए कहता है। ये इसका तात्पर्य है, भावार्थ है कि हमें ये अपने मन के उदासीपन को हटाना है, साथ ही हमें हर तरह की अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करनी है, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसे मजबूत करके हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि हम कुछ नई रचनाएं कर सकते हैं, नई उपज ला सकते हैं, नई क्रियात्मक रूप ला सकते हैं, जिससे हमारा भी कल्याण हो और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। तो इस कविता में कवि बहुत सारी
चीज़ों को एक चट्टान और मिट्टी, ये कह रहे हैं कि चट्टान और पत्थर जो भी जो मनुष्य के लिए बताए हैं कि मनुष्य भी का दिमाग जो है वो एक मैदान की भांति है, मनुष्य के दिमाग को मैदान से तुलना की गई है। तो यहाँ पर दिमाग और मैदान, पत्थर और चट्टाने, ये पत्थर और चट्टाने क्या है, हमारे दिमाग की भी, दिमाग भी को भी जब हम सुस्त बना देते हैं तो वो भी एक पत्थर एक चट्टान की भांति हो जाती है, जिसमें कि पानी डालेंगे तो पानी का असर नहीं होगा, वो पानी भी फिसल के नीचे गिर जाएगा, और उसमें जब हम कुछ डालने का प्रयास करेंगे तो वो भी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये होता है पत्थर, ये मानव मन भी जब को पत्थर, तो इसी से हटने के लिए कवि यहाँ पर प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें देखो दिया गया है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यहाँ तोड़ो 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 और आधे आधे आधे, ये इसमें, और फिर है गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर कहते हैं खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, कोई भी भाषा एकदम सरल सहज है, भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भाषा साधारण है लेकिन गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, उस गूढ़ अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आज ये कविता समाप्त हो गई। इसके बाद आप लोग हर कवि का कवि जीवन परिचय दिया गया है, उसे आप लोग को स्वयं पढ़ना है, और उसको उसके जीवन परिचय भी आता है, तो जीवन परिचय लिखने के लिए उसको पढ़ करके किताब, हर किताब में कविता के पहले दी गई है जीवन परिचय, उसे पढ़ करके आप अपना उसको तैयारी कीजिएगा परीक्षा के लिए। ठीक है, आज ये का कोर्स यहीं समाप्त।